जिले में नगरी निकाय चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे एवं पार्षदों की खर्च सीमा भी हुई तय। नगरी निकाय चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई, जिसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2,50,000 और नगर पंचायत के लिए 75,000 है। नगरी निकाय चुनाव पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे एवं राज्य निर्वाचन ने आयोग के चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी गौतम सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ मीडिया से चर्चा के दौरान कहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिले में 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में मंदसौर नगर पालिका और दूसरे नगर परिषद में 6 जुलाई को मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण में 13 जुलाई को अन्य निकाय परिषदों में मतदान होगा। जिले भर में 2,40,630 मतदाता है। नगरी निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे, वहीं पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव में कोई भी अधिकारी गलत काम किसी के सपोर्ट में काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। किस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं, आज नगरी निकाय के चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी और हमने मीडिया के हमारे मित्रों को भी आमंत्रित किया था। कल सायं 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरी निकाय के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया, तो कल शाम 4 बजे से आप मान के चलो कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। और इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था, मीडिया को भी था। जो प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए जाने थे उसके संबंध में पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 144 संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और शस्त्रों की अनुज्ञा निरस्त करने के संबंधी कार्रवाई हम कर चुके हैं और शस्त्र जमा कराए जाने की भी कार्रवाई जिले में प्रारंभ हो गई है। विभिन्न नगरीय निकायों में आरक्षण की क्या स्थिति है, कितने पद हैं और कितने मतदाता हैं, कितने मतदान केंद्र हैं, हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, ये आज हमने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और आप लोगों के साथ शेयर किया है और पूरे सिस्टम को हम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे निर्विघ्न और साफ सुथरे तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आज की बैठक में हमने आश्वस्त किया है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी होगा और चुनाव में किसी कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है, किसी के पक्ष में किसी के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो नई चीज़ है इस बार के चुनाव में, इस बार प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय हुई है, जिसमें नगर पालिका के पार्षद के लिए 2.5 लाख और नगर पंचायत के लिए 75,000 है। तो वो आज आपके माध्यम से और स्टैंडिंग कमेटी के बाकी मेंबर्स के माध्यम से हमने लोगों को बताने की कोशिश की है, इस सीलिंग के तहत ही वो वैध कर सकते हैं। ये कि कुछ जो चुनाव है ईवीएम से होंगे, कुछ बड़े पेपर से होंगे, तो अपने किस तरह से जो नगरी निकाय का चुनाव है पूरी तरह से ईवीएम पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चूंकि हमारे यहाँ नगर निगम नहीं है तो नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा, तो सभी नगरी निकायों में सिर्फ एक बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा और वो पार्षद पद के लिए होगा। जो ग्राम पंचायतों के चुनाव है पूरी तरह से बैलेट पेपर पे बेस्ड है, तो जिला पंचायत, जनपद, सरपंच और पंच 4 बैलेट पेपर से 1 मतदाता को मिलेंगे, वो बैलेट पेपर के माध्यम से मतपेटी में